Good morning everyone. As we have started our revisional work for online written class tests or revision tests, जो हम revision test अब organize करने वाले हैं आपके उनके लिए जो हमने revision start किया था. In the last class we have revised the syllabus of geography, the last lesson, fifth major domains of the earth. जो last lesson था fifth geography का, हमने उसके बारे में थोड़ा discuss किया था revision के तौर पर कि क्या कुछ उसमें पूछा जा सकता है. What are the major oceans, what are the major continents, etc. What do you mean by hydrosphere, biosphere, atmosphere, lithosphere, definition पूछी जा सकती है. What are the different division of biosphere, उसमें animal और plant kingdom, उसके बाद कितना एटमोसफेयर में कौन सी गैस है, कितना परसेंटेज है, हाईएस्ट परसेंटेज किसका है. तो नाउ टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द फिफ्थ लेसन ऑफ सिविक्स, दैट वाज पंचायती राज. बेसिकली तो क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं. द क्वेश्चंस वुड बी लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पंचायती राज. It is the third tier of government in India, in rural or in villages. ये हमारे यहाँ तीसरा लेवल है सरकार का, कहाँ, गाँव के लिए. रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम इसको, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्व सरकार, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में. इसके फिर तीन पार्ट पूछे जा सकते हैं. व्हाट द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायती राज. तीन पंचायती राज के लेवल सबसे लास्ट में आया था हमारे टॉपिक में. तीन लेवल कौन कौन से हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिला परिषद, उसके बाद अगर हम पंचायत लेवल कहाँ की बात करें, ब्लॉक लेवल की करें तो ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, और उसके बाद अगर हम सबसे नीचे के लेवल गांव की बात करें तो ग्राम पंचायत. ये हमारे यहाँ पंचायत राज के तीन लेवल, ग्राम पंचायत गांव में, उसके बाद दूसरा लेवल अगर पूछें ब्लॉक लेवल पर तो ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, और लास्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ जिला परिषद. ये हमारे जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके प्रकार. अब हम अगर अगली बात करें उसके बाद तो पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है. पंचायती राज के मेंबर चुने, पंचायत में मेंबर कैसे चुने जाते हैं. द मेंबर ऑफ द पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, और द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा के जो मेंबर हैं वो पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं. पहले तो वार्ड मेंबर्स, हर वार्ड से एक मेंबर, और अगर बात करें सरपंच मुखिया है उसको भी अलग से चुना जाता है. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा. ऑल द एडल्ट्स हु वाज एज इज 18 और अबोव एंड हैज़ द नेम इन वोटर लिस्ट. कोई भी व्यक्ति गांव का जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो वोटर लिस्ट में नाम हो, ग्राम सभा का मेंबर है. अब व्हाट आर द वर्किंग वर्क्स ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम सभा का काम क्या है. ग्राम सभा का काम क्या है. टू रियलाइज डिफरेंट वर्क्स टू द पंचायत. पंचायत को अलग अलग काम, ये प्रियोरिटीज पर बताना क्या सही है. एंड टू मेक इट अकाउंटेबल, और जवाबदेह ठहराना, जिम्मेवारी बताना कि पंचायत का काम क्या है. पंचायत को बार बार रियलाइज कराना ये काम था, ये हुआ क्यों नहीं, इसमें कितना बजट लगा. तो इस सारी चीज़ों के लिए ग्राम सभा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाती है हमारी ग्राम पंचायत को. अब दूसरा आता है हमारे पास ग्राम पंचायत का बजट कहाँ से आता है. तो ग्राम पंचायत के पास कुछ पावर्स हैं टैक्स लगाने की गांव में, जैसे हाउस टैक्स की घरों के ऊपर कोई टैक्स लगा लिया जाए, या कोई फेयर्स वगैरह लगे गांव में उस पर टैक्स लगा लिया जाए. दूसरा वो कहां से पैसा जनरेट करती है. दे आर गोइंग टू गेट अ डोनेशन फ्रॉम वेल्दी पर्सन, जो अमीर लोग उनसे डोनेशन मिल जाती है. तीसरा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गिव्स फंड, स्टेट गवर्नमेंट है फंड जारी करती है पंचायतों के लिए. अब इसमें एक विशेष तौर पर एक लेव आया था कि सबसे बड़ी परेशानी जो हरदास रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा उसमें क्या था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स काउंट कराएगी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी थी हरदास विलेज में पूछा जा सकता है एक नंबर में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन थी, वाटर शॉर्टेज की. उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया था. पहले तो फॉर दैट सेशन ओनली और सीजन ओनली, उसी मौसम के लिए तो एक समाधान ये किया गया कि उसकी थोड़ी गहराई बढ़ा जाए, डीपन द बोर वेल, जो वेल था हेडपम्प था उसकी गहराई और बढ़ा दी जाए, एंड क्लीन द टैंक्स, जो तालाब उनको साफ कर दिया जाए. अगले के लिए क्या किया गया, टू वर्क ऑन वाटर शेड प्रोग्राम, कि वाटर शेड प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट, शायद उसको इंप्लीमेंट करेंगे, शायद आसान हो जाए हमारे लिए. तो ये हमारे पंचायती राज में महत्वपूर्ण था कि पंचायती राज है क्या, जो गांव के अंदर हमारे यहाँ जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको हम बोलते हैं पंचायती राज. इसके लेवल कितने हैं, तीन, ग्राम पंचायत गाँव में, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद. उसके बाद हमने बात की कि हमारे यहाँ पंचायतें किस प्रकार चुनी जाती हैं, जो ग्राम सभा के मेंबर हैं जिनका, यानी वोटर लिस्ट में ग्राम सभा के मेंबर कौन है, पहले तो ये डिस्कस होना चाहिए. ग्राम सभा के मेंबर वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और वोटर लिस्ट में नाम, वो पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं.
उसके बाद ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग बुलाती है, उसमें डिस्कशन होता है डिफरेंट वर्क्स के लिए, कौन सी प्रायोरिटीज पर काम कराया जाए, किस प्रकार का काम किया है, और ग्राम सभा पंचायत को ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, यानी काम की जवाबदेही दे वो। अब उसमें एक आता है, एक गवर्नमेंट का भी व्यक्ति होता है जो कि सारा रिकॉर्ड रखता है, वो कौन होता है? ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत, वो कौन होता है? ग्राम सेक्रेटरी और विलेज सेक्रेटरी, ग्राम पंच जो हमारे पास सचिव। तो ये हमारे बेसिक इसमें कुछ आइडियाज दे रखे थे कि एक गाँव का उदाहरण दिया गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ फेस की जाती हैं, गाँव में पैसा कहाँ से आता है, पंचायत के लेवल कौन कौन से हैं, ग्राम सभा किस प्रकार जिम्मेवार ठहराती है, सरकारी अधिकारी कौन होता है जो सारा रिकॉर्ड रखता है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।